पटना से है। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि 6 सितंबर को भारत बंद के दौरान उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसे तुरंत रिहा किया जाए। महासभा की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो अपना आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के मद्देनजर बीजेपी कार्यालय के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल की भी वहां पर तैनाती की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मामला है 6 नौ को हम लोग शांतिपूर्ण बंद किए थे, ऐसी एक्टिविटी जो था वो बंद किए थे। देखिए, निर्दोष लोगों के ऊपर हमारे ऊपर केस किया गया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे निर्दोष लोगों पे बंद किया गया। और ग्राम चिठौरा आपको राजगीर भी है, नालंदा जिला में है, उसके बाद मुंगेर में फरदा गांव है, गढ़ी रामपुर है, बेलागंज गया में, वहाँ पे सरकार इस तरह जुल्म किया जैसे लग रहा है कोई अंग्रेज की सरकार। प्रशासन हमारे महिलाओं हमारे माँ बहनों को मारा, इसी के विरोध में हम लोग का नारा है, जिसको हमने वोट किया उसने हमको चोट किया। हम किसी भी रूप में इन समाजों के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और ये जो सवर्ण समाज जैसे लोग हैं, इन लोगों का तो बराबर सहयोग रहा भी है और आज भी है। लेकिन हमारे विरोधी लोग जो जानते हैं कि नीतियों के आधार पर, हमारे कार्यक्रमों के आधार पर, हमारे विकास के एजेंडा के आधार पर हमारा विरोध नहीं हो सकता है, इसलिए वो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और वो दलित समाज में भी भ्रम पैदा करते हैं हमारे खिलाफ, और जब हम उनके लिए कुछ काम करते हैं तो दूसरे समाज में जाकर भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उस भ्रमों का निवारण हम लोग कर रहे हैं। अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण महासभा की ओर से जोरदार प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय के बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जा रहा है और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 6 सितंबर को जिस तरीके से भारत बंद का आयोजन किया गया था, उस दरमियान कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें अविलंब रिहा किया जाए। और इसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और बीजेपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय के बाहर अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो किए गए हैं और भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया है। और इस बीच यहाँ पे पुतला दहन और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कार्यालय के बाहर किया जा रहा है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ भूमिहार ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं उनकी रिहाई को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर अविलंब उन कार्यकर्ताओं की रिहाई नहीं हुई तो फिर ये अपना आंदोलन तेज करेंगे। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया।